तहरीक इंसाफ को ऐवान इकबाल में वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कल तकरीब में शरीक होंगे। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत, जी लियाकत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिए। इमरान खान जो कि कल लाहौर आ रहे हैं, इसके लिए ऐवान इकबाल ने इजाजत के लिए दरखास्त दी गई थी, लेकिन इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी और एहतजाजन जो है वो शफकत महमूद ने जो है ऐवान इकबाल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की धमकी दी। उनका मौकफ था कि हमने कल सिक्योरिटी भी जमा करवा दी, दरखास्त भी दे दी और तमाम तकाजे पूरे करने के बाद जब हॉल के अंदर हमने आधे इंतजाम कर लिए तो मरम्मत के नाम पर इस ऐवान इकबाल को बंद कर दिया गया और हुकूमत ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस एहतजाज के बाद अब थोड़ी देर पहले ये डेवलपमेंट हुई है कि इंतजामिया ने जो है जिस दरखास्त पर नॉट अलाउड लिखा था उसको नॉट काटकर अब अलाउड करके तो इजाजत दे दी है और अब पीटीआई ने ऐवान इकबाल के बाहर अपना एहतजाज भी मौखर कर दिया है। शुक्रिया लियाकत।